गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग मैथ सेकंड में एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 की सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद की हेडिंग है आपकी यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा की समकुल रूपांतरण, ठीक है। इसके रूपांतरण में कुछ बोला गया है, बोला जा रहा है कि गणित के इतिहास में यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का अत्यधिक महत्व है। अनुच्छेद 5.2 से पुनः इस अभिधारणा को याद कीजिए। इस अभिधारणा के परिणाम स्वरूप रेखाओं को गिरने वाली रेखा के एक ही और दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। बोल रहा है दो रेखाएं हैं उनके एक ही और बनने वाले दोनों अंतः कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि वो रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, वो रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती है, कि अगर उनके एक ही ओर बनने वाले दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश नहीं होता है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती है, ठीक है। इसी पे बेस्ड जो है वो बेटा आपके क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रत्येक रेखा एल और उस पर न स्थित बिंदु, प्रत्येक बिंदु पी के लिए एक अद्वितीय रेखा एम ऐसी होती है जो पी से होकर जाती है और एल के समांतर होती है, ठीक है। देखिए इसी में बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 5.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। यहाँ पे आपको अपने वर्डों में लिखना है, ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है कि आप किस तरह से यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को लिखेंगे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको हम इजी समझ सकते हैं, ठीक है। अपने वर्ड में लिखना है। एक्सरसाइज है आपकी 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दिया हुआ है, आंसर लिखिए यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा या आपकी हेडिंग होगी। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा
आपसी अभिधारणा की समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है स्पष्ट कीजिए। ये बोला जा रहा है कि क्या यूक्लिड की पांचवी जो अभिधारणा है उससे समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है, अगर होता है तो उसको आपको स्पष्ट करना, ठीक है। देखिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर लिखवा रही, ठीक है। अंतःकोण
दूसरी टर्म जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम आपका दूसरा है, बट पहले में क्या था कि जो एंगल थे आपके अंडर रूट यानी एक और दो का योग जो था वो 180 से कम था, ठीक है। एक तरफ का योग पर 180 से कम था, एक तरफ का योग पर 180 से ज्यादा था, बट अभी क्या है कि एक तरफ के बने अंडर रूटों का योग पर 180 है तो दूसरे तरफ के बने अंडर रूटों का योग पर भी 180 है होगा, ठीक है। और इस तरह से सिचुएशन होती है तो रेखाएं होती है तो आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और वो रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। चलिए नोट करिए, आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 वो कंप्लीट हुई, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नेक्स्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए सबको।